देखो बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, बोलो ये क्या है? मंदिरों के चित्र। हाँ, मंदिरों के चित्र है। ये क्या है? लिंगराज मंदिर है। लिंगराज। हाँ, और ये देखिए सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। हाँ, और रंगा जी मंदिर। रंगा जी मंदिर। और तुम बोलो पीयूष, ये नीचे वाला कौन सा मंदिर? हाँ, मीनाक्षी मंदिर। और देखिए एक एक चित्र और हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, अभी देखिएगा कितने सुंदर ये सब देखिए। हाँ बताइए, आप बताइए जो ही ये नीचे वाला किसका चित्र, कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। पीयूष तुम बताओ ये कौन सा मंदिर है? ऊपर। हाँ, ऊपर वाला खजुराहो मंदिर। हाँ, खजुराहो मंदिर। अच्छा तुम बताओ ये कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। और ये महाबलीपुरम। हाँ, महाबलीपुरम मंदिर। अच्छा एक देखो तुम्हारे लिए एक चित्र और लाए हैं, ये देखिए ये जयपुर में है, इसको क्या बोलते हैं? हवा महल। हाँ, हवा महल। और ये विजय स्तंभ। हाँ, विजय स्तंभ कहाँ का है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का। ये सारे चित्र जो ही बता सकती हो किस काल के हैं? ये सारे चित्र गुप्त काल के हैं। हाँ, गुप्त काल के हैं। अच्छा बुआ जी हाँ? ये सारे चित्र क्या गुप्त काल के ही हैं? नहीं, हाँ बेटा कुछ हम तुमको बता रहे हैं कि गुप्त काल के चित्र तो हैं, लेकिन गुप्त काल में भारत जो है दो भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी भारत एक दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत में गुप्त काल के शासक रहते थे और दक्षिणी भारत में राजपूत कालीन शासक रहते थे। तो उस काल में चूंकि वैभव और संस्कृति बहुत पराकाष्ठा पर थी हम लोग के भारत की, इसीलिए उस काल में लोगों ने मंदिरों का निर्माण करके हम लोगों को दिखाया कि हम लोग के पास कितना वैभव था। अच्छा ये बताइए जूही कि सोने की नगरी लंका कहा जाता है, लंका को सोने की नगरी क्यों कहा जाता है? लंका को सोने की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था। हाँ, जिस प्रकार लंका को सोने की नगरी कहा जाता है क्योंकि उसका वैभव के लिए प्रसिद्ध था, उसी प्रकार गुप्त काल भी अपने स्वर्णयुग के नाम से प्रसिद्ध था। बुआ जी हाँ? मैं एक प्रश्न पूछूं। हाँ बोलो। ये स्वर्णयुग क्या होता है? अरे स्वर्णयुग नहीं समझते हो, जैसे लंका को सोने की नगरी कहा जाता है उसी प्रकार गुप्त काल को भी स्वर्णयुग कहा जाता है। उसका कारण यह है कि गुप्त काल में राजनीतिक दशा, सांस्कृतिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा बहुत उन्नति पर थी, मतलब हर जगह सुख शांति का वातावरण जब रहता है तो उस काल को स्वर्णयुग कहते हैं। तो गुप्त काल में भी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक दशा बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसको स्वर्णयुग कहते थे। अच्छा राजनीतिक दशा के मतलब तुम लोग समझते हो? हमने कह तो दिया राजनीतिक दशा, समझते राजनीतिक दशा के मतलब? नहीं ना। देखो अब तुमको हम समझाते हैं, गुप्त काल वैभव का काल इसलिए कहा जाता है कि उसमें राजनीतिक दशा में क्या होता था कि पूरे राज्य में छोटे छोटे राज्यों से बटा होता था, है ना? हाँ, तो सब राज्यों का एक छत्र साम्राज्य था, मतलब एकतंत्र राजा था। और सारे राजा जो थे गुप्त काल में, जैसे समुद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुए, ये सारे राजा जो थे इतने शक्तिशाली थे कि सब ने बहुत विजय करके पूरा एक छत्र राज्य की स्थापना की थी। दूसरी बात ये था कि राजाओं ने जो कुछ किया तो किया, साथ में उन लोगों ने प्रजाओं का भी बहुत ख्याल रखा। वहां पर पहले जो है मौर्य काल में पढ़ चुके हो ना, तुमको हमने बताया था ना मौर्य काल में केवल दो ही भाषा चलती थी, संस्कृत और पाली। लेकिन अब गुप्त काल आते आते तीन भाषाओं का प्रचलन हो गया, पाली भी और संस्कृत भी, और साथ ही साथ हिंदी भाषा का भी प्रचलन गुप्त काल में हो गया कुछ कुछ मंदिर है। और इसीलिए जब हिंदी भाषा का प्रचलन हुआ तो हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जिसमें देखो बौद्ध मंदिर भी है, विष्णु मंदिर भी है, सूर्य मंदिर भी है और शिव मंदिर भी है। इन मंदिरों का भी निर्माण गुप्त काल के राजाओं ने कराया। हमारे भारत का उदय कैसे हुआ, भारत का नाम कैसे हुआ, भारत के पहले राज जैसे रामायण और महाभारत धार्मिक ग्रंथ है ना, पहले बताया था, तो रामचंद्र जी क्या करते थे, तो ये सब के बारे में कालिदास ने संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। प्रकार संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ हमें गुप्त काल में मिलते हैं जो आज भी संस्कृत के कोर्स में पढ़ाया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं उसको। अच्छा अब सामाजिक दशा दे लो, राजनीतिक हो गई दशा, अब सामाजिक दशा क्या होती है?
जिसमें खान पान होता हो। हाँ, और रहन सहन, रहन सहन, हाँ, और वस्त्र। अच्छा, वस्त्र। हाँ, तो अब गुप्त काल में एक यात्री आया था, फेंगसा। उसने गुप्त काल के बारे में वर्णन किया था और उसने ये बताया था कि वहाँ का खान पान बहुत सादा था, मतलब मांस मदिरा ये सब नहीं खाते थे, और पहनावा भी शांत, मतलब सरल पहनावा था, मतलब बहुत ज्यादा तमक झमक वाला नहीं पहनते थे। लेकिन फिर भी राजा महाराजा लोग कुछ अच्छे कपड़े सुंदर बस पहनते थे, लेकिन गहनों का प्रचलन बहुत था। राजा भी पहनते थे, प्रजा भी पहनती थी, हाँ, पुरुष भी पहनते थे और नारियां भी पहनती थी गहने। हाँ, फिर सबसे जरी बात बड़ी बहुत है। अच्छा, तुम लोग रात को सोते हो तो ताला बंद करके दरवाजा बंद करके सोते हो ना? जी बुआ जी। क्यों? क्योंकि चोर आके चुरा ना ले जाए। गुप्त काल में सब दरवाजा खोल के सोते थे आराम से। क्यों बुआ जी? क्योंकि चोर आ ही नहीं पाता था, कोई चोर था ही नहीं वहां पर, इतने वैभव थे कि चोर आ ही नहीं पाता, सबके पास पैसा था, किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं होती थी। तो इस प्रकार गुप्त काल में खान पान पहनावा और चोरी जगती बिल्कुल नहीं होती थी। समझ गए बच्चों साहब? जी बुआ जी। अब आर्थिक दशा में उन लोग क्या करते थे? आर्थिक दशा में उन लोग कृषि करते थे, खेती होती थी। अच्छा, गुप्त काल में तीन प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, सोने के, चांदी के और तांबे के। तीन प्रकार के सिक्के चलते हैं। सिक्के तो जानते हो किस लिए चलाए जाते हैं? एक दूसरे के लिए व्यापार करने के लिए, कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करते थे और तभी सिक्के चलाए जाते थे। उसके बाद फिर इन लोगों का ध्यान किस पर आया? धार्मिक भावना पर, अर्थात मंदिरों का निर्माण। अच्छा, इन लोग जो मंदिरों का निर्माण करते थे उसमें भी हमें तीन प्रकार के कलाओं का बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। एक मूर्ति कला, एक वास्तुकला, एक चित्रकला। बुआ जी, बुआ जी, ये वास्तुकला क्या होता है? हाँ, ये प्रश्न तुमने बहुत अच्छा पूछा। देखो, वास्तुकला का मतलब होता है किसी, जैसे तुम मकान में रहती हो, तुम्हारे लिए मकान बनते हैं, मकान किस प्रकार बनेंगे, हाँ, उसका दरवाजा कितना ऊंचा होना चाहिए, किस कोण में तुम्हारा पानी होना चाहिए, ये वास्तुकला है ना। उसी प्रकार जब मंदिर बनाते थे तो मंदिर में भी उन लोग ये सोचते थे कि मंदिर कितना ऊंचा होना चाहिए, मंदिर में जो भगवान की स्थापना करेंगे वो किस तरफ होनी चाहिए, मंदिर के कगार कैसे होने चाहिए। इस प्रकार इसी उसी को वास्तुकला कहते हैं। समझ गए? जी बुआ जी। बुआ जी, बुआ जी, ये चित्रकला क्या होता है? चित्रकला मतलब जो चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है। देखो, मंदिर तो बन गए, हाँ, और मंदिर में क्या कहते हैं, मूर्ति भी स्थापन हो गई। और मूर्ति कैसे स्थापन होती थी? बड़े बड़े पत्थरों को काट कट करके वो मूर्ति बनाते थे, मूर्ति भी बन गई। अब मूर्ति को सजाने के लिए चित्रकला की जरूरत पड़ती थी। चित्रकार मतलब वो मंदिरों को सजाना, रंग बिरंगे चित्रों से सजाना, इसको कहते हैं चित्रकला। अच्छा बताओ, मंदिर कौन बना सकता है? मंदिर एक वही व्यक्ति बना सकता है जिसके पास बहुत धन और वैभव होता है। हाँ, अब यही है ना, मंदिर तो हम लोग तो बना नहीं सकते, हम लोग तो पैसा ही नहीं है, तो इसीलिए मंदिर वही बना सकते हैं जिसके पास बहुत वैभव है। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि गुप्त काल स्वर्णयुग इसीलिए कहा जाता था कि वहाँ राजाओं के पास काफी वैभव था, राजा वैभवशाली थे, तभी उन लोग अपनी पूजा अर्चना किससे करते थे? मंदिर बनवाकर करते थे। उसी के माध्यम से आज भी ये मंदिर जो अभी चित्र देखा ना, प्रसिद्ध है और कितनी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। अच्छा, अब हम गुप्त काल के विषय में तुम लोग से कुछ प्रश्न पूछे। जी बुआ जी। अच्छा, ये बताइए, गुप्त काल स्वर्णिम को कहा जाता है? जूही, तुम बताओ। गुप्त काल स्वर्णिम किस लिए कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि सबसे पहले तो राजनीतिक दशा हो गई। राजनीतिक दशा में क्या है, शासक एक छत्र समाज था, और उसके बाद फिर क्या हुआ, सामाजिक दशा, कि इन लोगों का खान पान पहनावा सरल था लेकिन अच्छा था। तीसरा क्या हो गया, धार्मिक दशा। धार्मिक दशा में क्या हो गया, कि इन लोग मंदिरों का निर्माण करते थे। चौथा क्या हो गया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। आर्थिक दशा में इन लोग क्या करते थे, कृषि करते थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे। ठीक, समझ में आ गया? जी बुआ